झरिया के बास्ता कोला जीवन ट्रस्ट में धनबाद विधायक राज सिन्हा के द्वारा बच्चों के लिए कच्चा अनाज मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार के 7 वर्ष होने पर आज पूरे कोलांचल में सिवाही संगठन के तहत मास्क सैनिटाइजर अनाज वितरण जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुझे भी जीवन ट्रस्ट के माध्यम से इन बच्चों की सेवा करने का मौका मिला। वहीं जीवन ट्रस्ट के निदेशक अनिल सिंह ने कहा कि इस कोरोना काल में इन छोटे छोटे बच्चों की सेवा के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत है वैसे लोगों को आगे बढ़कर इन बच्चों की सेवा जरूर करनी चाहिए। नहीं, ये तो बहुत खास करके जीवन ज्योति संस्था के जो डायरेक्टर हैं अनिल जी और इनके सहयोगी जितने भी लोग हैं, नुनिया जी हैं, रिंकू जी हैं, सब लोग का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत पुण्य का कार्य, अभी मैंने देखा बच्चों को और जिस प्रकार से ये इनकी सेवा कर रहे हैं उनको, बहुत बहुत कठिन कार्य है और बहुत पुण्य का कार्य है। और जैसे ही कल अनिल जी ने बताया हमें कि बच्चों के राशन की व्यवस्था नहीं हो रही है, लॉकडाउन में अभी मुश्किल है, मैंने क्षणभर भी देर नहीं किया और कल ही इनको कहा कि मैं आऊँगा और मैंने कोशिश किया है कि 1 महीना का सूखा राशन बच्चों के लिए, चावल, दाल, आटा, तेल, आलू, नमक, ये सब मोटा मोटी जो आवश्यकता अनुसार है वो मैंने उपलब्ध कराया है। एक छोटी सी कोशिश की है। जितने महत्वपूर्ण कार्य सेवा ही लोग कर रहे हैं उस हिसाब से कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे भी है, संजोग ऐसा है कि आज हमारे मोदी जी के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, दूसरे शासन के भी 2 वर्ष, और हम लोग सेवा ही संगठन के तहत आज सेवा दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। आज के दिन को जगह जगह रक्तदान शिविर लगा हुआ है, जगह जगह हम लोग गाँव में लोगों के बीच में जा रहे हैं, यहाँ पर मास्क सैनिटाइजर यहाँ हमने दिया, इस प्रकार से कई एक जगह पर गांव में भी जा रहे हैं, वहाँ मास्क है, सैनिटाइजर है, आवश्यकता अनुसार दवा है, या उनका बीपी चेक करेंगे, उनका शुगर चेक करेंगे, उनका ऑक्सीजन चेक करेंगे, सब प्रकार से आज हम लोग सेवा के रूप में आज के दिन को हम लोग मना रहे हैं। मोदी जी के 7 वर्ष पूरे हुए, उनको शुभकामना भी दे रहे हैं। और जिस प्रकार से आज ही जो आया प्रधानमंत्री चाइल्ड केयर्स के द्वारा, जो भी कोरोना में जिनके माँ बाप की मृत्यु हो गई, ऐसे जो बच्चे हैं उनको प्रधानमंत्री ने जिम्मेवारी लिया है, उनके उनके बड़े होने तक उनके शिक्षा, उनके खर्च की व्यवस्था सरकार करेगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन आज के है और ख़ास करके ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। और मैं फिर से जीवन ज्योति को अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।